गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू पोल साइंस क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर सेकंड चैप्टर द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द ओवरव्यू ऑफ दिस चैप्टर। द बर्लिन वॉल विच हैड बीन बिल्ट एट द हाइट ऑफ द कोल्ड वॉर, जो बर्लिन की वॉल जिसको बनाया गया था, ये सबसे पीक पॉइंट था किसका, कोल्ड वॉर का, जब इसको बनाया गया था। मीन्स डिवीजन ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न बर्लिन। वॉज इट्स ग्रेटेस्ट सिंबल वॉज टॉपल। टॉपल मीन्स कोलैप्स डाउन। इसको गिरा दिया गया था बाय द पीपल इन 1989 में इसको गिरा दिया गया था लोगों के द्वारा, पीपल ऑफ ईस्टर्न जर्मनी। मीन्स पूर्वी जर्मनी के लोगों ने इसको गिरा दिया था। दिस ड्रामेटिक इवेंट वॉज फॉलोड बाय एन इक्वली ड्रामेटिक एंड हिस्टोरिक चेन ऑफ इवेंट्स। इस इंसिडेंट्स के बाद कुछ और घटनाएं घटी दैट लेड टू द कोलैप्स ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड, जिसने क्या कर दिया, सेकेंड वर्ल्ड को डिसइंटीग्रेट करने के लिए मजबूर कर दिया। एंड द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर, जैसे कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ, शीत युद्ध ख़त्म हुआ, जर्मनी डिवाइडेड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जर्मनी जिसे डिवाइड कर दिया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, वो यूनिफाइड, फिर से उसका एकीकरण कर दिया गया, दोनों को मिलाकर, ईस्ट और वेस्ट को मिलाकर एक कर दिया गया। वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक, द एट ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज दैट वर पार्ट ऑफ सोवियत ब्लॉक, जो सोवियत ब्लॉक के मेंबर थे, हिस्से थे, ब्लॉक रिप्लेस्ड देयर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स इन रिस्पॉन्स टू मास डेमोस्ट्रेशन। उन्होंने क्या किया, अपने यहाँ से कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को रिप्लेस कर दिया। एंड द सोवियत यूनियन स्टूड बाय एज द कोल्ड वॉर बिगेन टू एंड, और सोवियत यूनियन चुपचाप सब कुछ देखता रहा, नॉट बाय मिलिट्री मीन्स बट एज ए रिजल्ट ऑफ मास एक्शन बाय ऑर्डिनरी मैन एंड वीमेन, क्योंकि आम जनता सब खिलाफ हो गई थी इसके। इवेंचुअली द सोवियत यूनियन इटसेल्फ डिसइंटीग्रेटेड, बाद में ये इसका विघटन हो गया, पतन हो गया था। इस चैप्टर में कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे, कॉजेज भी डिस्कस करेंगे, कॉजेज क्या थे डिसइंटीग्रेशन के एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड, एंड वी ऑल्सो डिस्कस वट हैपन टू दैट पार्ट ऑफ वर्ल्ड आफ्टर द कोलैप्स ऑफ कम्युनिस्ट रिजाइन, फिर उस हिस्से का क्या हुआ जहाँ पे पहले कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, एंड हाउ इंडिया रिलेट्स टू दीज कंट्रीज। अब देखिए यहाँ पे देर इज असिम, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ बर्लिन वॉल, हाउ पीपल आर बिहेविंग लाइक हेयर, लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं यहाँ पे, इस वॉल को कैसे गिरा रहे हैं। बर्लिन वॉल सिंबलाइज्ड द डिवीज़न, ये डिवीज़न का सिंबल था ईस्टर्न वेस्टर्न बर्लिन के बीच में, जिसको बर्लिन वॉल बोला गया था। एक तो था कैपिटलिस्ट का सिंबल था, एंड सेकेंड कम्युनिस्ट वर्ल्ड, बिल्ट इन 1961 में इसको बनाया गया था टू सेपरेट ईस्ट बर्लिन फ्रॉम वेस्ट बर्लिन, एंड दिस मोर देन 150 किलोमीटर्स लॉन्ग, इसकी जो लंबाई थी दीवार की वो 150 किलोमीटर थी, स्टूड फॉर 28 ईयर्स, 28 साल तक ये खड़ी रही थी दीवार, एंड वॉज फाइनली ब्रोकन बाय द पीपल ऑन 9 नवंबर 1989, और निश्चित ही 9 नवंबर 1989 को इसको गिरा दिया गया था बर्लिन के लोगों के द्वारा। एंड दिस मार्क्ड द यूनिफिकेशन ऑफ द टू पार्ट्स ऑफ जर्मनी, इसने क्या दिखाया है कि इस तरीके से जर्मनी का एकीकरण फिर से हो गया था। एंड द बिगिनिंग, शुरुआत में, द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द कम्युनिस्ट ब्लॉक, ये शुरुआत थी कम्युनिस्ट ब्लॉक के ख़त्म होने की। एंड द पिक्चर हेयर डिपिक्ट पीपल मेकिंग अ टाइनी होल इन द वॉल, लोग छोटा सा एक सुराख कर रहे हैं दीवार के अंदर, लुक एट हेयर, ये देखिए, ए सेक्शन ऑफ द वॉल ओपन टू अलाउ फ्री मूवमेंट। अब ये जो रास्ता था सेक्शन ऑफ द वॉल, अब क्या लोगों के आने जाने के लिए एक सिंपल रास्ता बन गया। एंड द बर्लिन वॉल एज इट्स स्टूड बिफोर 1989, क्योंकि 1989 से पहले यहाँ पे ये वॉल यहाँ पे खड़ी थी, लेकिन बाद में लोगों ने इसको गिरा दिया था। वट वॉज द सोवियत सिस्टम, सोवियत सिस्टम क्या था, द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स मीन्स USSR केम इन टू बींग आफ्टर द सोशलिस्ट रिवोल्यूशन इन रशिया इन 1917।
जो यूएसएसआर था ये एक्सिस्टेंस में आया था रशियन रिवॉल्यूशन के बाद। रशियन रिवॉल्यूशन कब हुआ था? 1917 में हुआ था। द रिवॉल्यूशन वॉज इंस्पायर्ड बाय द आइडियल्स ऑफ सोशलिज्म। यह जो रिवॉल्यूशन क्रांति हुई थी ये समाजवाद के आदर्शों से प्रेरित थी, एज अपोज टू कैपिटलिज्म, ये पूंजीवाद के खिलाफ थी, एंड द नीड फॉर एन एगलिटेरियन सोसाइटी। एगलिटेरियन सोसाइटी मीन्स वेयर एवरीबडी हैज़ राइट टू पार्टिसिपेट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी। दिस वॉज परहैप्स द बिगेस्ट अटैम्प्ट इन ह्यूमन हिस्ट्री। ये सबसे बड़ा एक प्रयास था मानव इतिहास के अंदर टू अबॉलिश द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, जहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी के जो संस्थाएँ हैं उनको अबॉलिश कर दिया गया था, रूट आउट कर दिया गया था, एंड कॉन्शियसली डिज़ाइन ए सोसाइटी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी। और एक ऐसी सोसाइटी को तैयार करना था जो समानता के सिद्धांतों पर टिकी हुई हो। इन डूइंग सो, ऐसा करने से द मेकर्स ऑफ द सोवियत सिस्टम गेव प्राइमेसी टू द स्टेट। जो मेकर्स थे इसके, उन्होंने किसको प्राइमेसी दी, प्रेफरेंस किसको दी, सिर्फ स्टेट को, एंड द इंस्टीट्यूशन ऑफ द पार्टी, और एक पार्टी को। एंड द सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम सेंटर्ड अराउंड द कम्युनिस्ट पार्टी। देर वॉज सिंगल पार्टी, दैट वॉज कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट मीन्स पार्टी ऑफ पुअर पीपल, गरीब लोगों की पार्टी। इसमें लेबरर्स भी आते हैं, लैंडलेस फार्मर्स भी आते हैं, एंड नो अदर पॉलिटिकल पार्टी और अपोजिशन वॉज अलाउड। ना तो कोई और पार्टी थी वहाँ पे, ना कोई अपोजिशन अलाउड थी। एंड द इकोनॉमी वॉज प्लान्ड, इकोनॉमी को प्लान किया गया था, कंट्रोल किया गया था स्टेट के द्वारा। अब जो रिवॉल्यूशन हुआ था उसे मेन रोल किसका था? व्लादिमीर लेनिन, फाउंडर ऑफ द बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के जो हेड यही थे, लीडर ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन ऑफ 1917, एंड द फाउंडर हेड ऑफ द यूएसएसआर ड्यूरिंग द मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड फॉलोइंग द रिवॉल्यूशन 1917 to 1924, एन आउटस्टैंडिंग थ्रेशियन एंड द प्रैक्टिशनर ऑफ मार्क्सिज्म, जो मार्क्सिज्म था, एंड ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर कम्युनिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये रोल मॉडल थे कम्युनिस्ट पार्टी के लिए। एंड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज दैट द सोवियत आर्मी हैड लिबरेटेड, जिसे जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी जिसको सोवियत आर्मी ने आज़ाद करवाया था फ्रॉम द फासिस्ट मीन्स हिटलर से, हिटलर की सेना से, केम अंडर द कंट्रोल ऑफ यूएसएसआर। बाद में वो यूएसएसआर के अंडर आ गई थी, सीधी सी बात, जिसने उनको आज़ादी दिलाई वो उसके अंडर ही जाएंगी बाद में। एंड द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ ऑल दीज कंट्रीज, यहाँ का जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम था इन कंट्रीज देशों का, वर मॉडल्ड आफ्टर यूएसएसआर। बाद में यहाँ पे यूएसएसआर के मॉडल को इम्प्लीमेंट कर दिया गया, एंड दिस ग्रुप ऑफ कंट्री वॉज कॉल्ड द सेकेंड वर्ल्ड। इसे सेकेंड वर्ल्ड के नाम से जानते हैं या सोशलिस्ट ब्लॉक के नाम से भी जाना जाता है। द वर्सा पैक्ट, अ मिलिट्री अलायंस, जो वर्सा पैक्ट किया गया था किसके द्वारा? यूएसएसआर के द्वारा ग्रुप बनाया गया था, मिलिट्री अलायंस, जिसको वर्सा पैक्ट का नाम दिया गया था क्योंकि यूएसए ने जो ग्रुप बनाया था उसका नाम नाटो था, एंड हेल्ड देम टुगेदर। इस वर्सा पैक्ट ने इनको जोड़ के रखा, एंड द यूएसएसआर वॉज द लीडर ऑफ द ब्लॉक। यूएसएसआर इस ब्लॉक का लीडर था। अब फीचर्स क्या क्या थी इसकी, विशेषताएँ क्या थी यूएसएसआर की? द सोवियत यूनियन, सोवियत यूनियन की विशेषताएँ क्या थी? बिकेम अ ग्रेट पावर आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत बड़ी पावर बन गया था, फर्स्ट फीचर। सेकेंड, द सोवियत इकोनॉमी वॉज देन मोर डेवलप्ड देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट द फॉर यूएस। यूएस को छोड़कर इसकी जो इकोनॉमी थी बाकी सभी देशों से डेवलप थी। सेकेंड, थर्ड, कम्प्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम नेटवर्क, इनका जो कम्युनिकेशन नेटवर्क था, संचार प्रणाली थी, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। फोर्थ, जो रिसोर्सेज थे बहुत वाइटल थे, लाइक वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज इंक्लूडिंग ऑयल, आयरन एंड स्टील। एंड नेक्स्ट में है फिफ्थ, मशीनरी प्रोडक्शन, प्रोडक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग थी इनकी, कैसे? एंड ए ट्रांसपोर्ट सेक्टर एंड दैट कनेक्टेड इट्स रिमोटेस्ट एरिया विद एफिशिएंसी। कितने भी दूर का जो रिमोट एरिया था वो रिमोट एरिया में आराम से ये कनेक्ट हो सकते थे, एंड मतलब इनका जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग था। इट हैड ए डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री, इन्होंने एक इंडस्ट्री लगा रखी थी अपनी दैट प्रोड्यूस्ड एवरीथिंग, जहाँ पे सब कुछ बनता था, फ्रॉम पिंस टू कार, एक छोटी पिन से लेकर सुई से लेकर कारें तक बनती थी। दाओ हालांकि देयर क्वालिटी डिड नॉट मैच दैट ऑफ द वेस्टर्न कैपिटलिस्ट कंट्री, इनकी जो क्वालिटी थी वो वेस्टर्न से, मतलब कि अमेरिका से मैच नहीं करती थी।
द सोवियत स्टेट इंश्योर्ड अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर ऑल सिटीजन्स। इन्होंने क्या किया, जो मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड था वो अपनी कंट्री अपने लोगों के लिए डिसाइड कर रखा था, एंड द गवर्नमेंट सब्सिडीज बेसिक नेसेसिटीज इंक्लूडिंग हेल्थ। जो सरकार क्या कर रही थी, जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी उनको सब्सिडीज देती थी और प्रोवाइड फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रही थी, लाइक हेल्थ के रिगार्डिंग, एजुकेशन है, चाइल्ड केयर है, एंड अदर वेलफेयर स्कीम्स। देर वॉज नो अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर बेरोजगारी बिल्कुल भी नहीं थी। स्टेट ओनरशिप वॉज द डोमिनेंट फॉर्म ऑफ ओनरशिप। जो स्टेट के स्टेट क्या थी, स्टेट हैज़ डोमिनेंट रोल ऑन एवरीथिंग वॉज अंडर द स्टेट, सब कुछ स्टेट के अंडर था। लैंड एंड प्रोडक्टिव असेट्स वर ऑन एंड कंट्रोल्ड बाय द सोवियत स्टेट, सब कुछ सोवियत स्टेट ने कंट्रोल कर रखा था। मीन्स देयर वॉज नो प्राइवेट प्रॉपर्टी। सोवियत सिस्टम हाउ एवर बिकेम वेरी, अब ऑल दीज आर द डिसएडवेंटेजेस। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिस्कस्ड व्हाट डू मीन बाय USSR, सोवियत ब्लॉक। आफ्टर दैट फीचर्स, नाउ डिसएडवांटेजेस। द सोवियत सिस्टम हाउ एवर बिकेम द वेरी ब्यूरोक्रेटिक, जो सोवियत सिस्टम था काफ़ी ब्यूरोक्रेटिक हो गया था बाद में, एंड द अथॉरिटेरियन। मीन्स जो ब्यूरोक्रेट्स, मतलब कि यहाँ पे लाल फीताशाही जो ऑफिसर्स थे उनका डोमिनेंस बढ़ गया था, मेकिंग लाइफ वेरी डिफिकल्ट फॉर इट्स सिटीजन, और आम जनता की जो लाइफ थी बहुत ज़्यादा दयनीय हो गई थी। लैक ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र बिल्कुल भी नहीं था। एंड द एब्सेंस ऑफ फ्रीडम, आज़ादी लोगों के पास बिल्कुल भी नहीं थी। ऑफ स्पीच स्टिफल्ड, पीपल हु ऑफन एक्सप्रेस देयर डिसेंटमेंट डिसटिस्फिकेशन इन जॉक्स एंड कार्टून। लोगों को ना अपने जो असंतुष्टि दिखानी पड़ती थी जॉक्स के द्वारा और कार्टून्स के द्वारा। मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन, अधिकतर जो संस्थाएँ थी ऑफ द सोवियत स्टेट नीडिड रिफॉर्म, सभी में आवश्यकता थी किसकी, सुधार की। द वन पार्टी सिस्टम रिप्रेजेंटेड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन हैड टाइट कंट्रोल ओवर ऑल इंस्टीट्यूशन। एक पार्टी, इसका नाम क्या था, कम्युनिस्ट पार्टी, ने सारे सिस्टम को टाइटली कंट्रोल कर रखा था बहुत ज़्यादा, एंड वॉज अनकाउंटेबल टू पीपल, और लोगों के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सिबल नहीं थी, जवाबदेह नहीं थी। द पार्टी रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द अर्ज ऑफ द पीपल इन द 15 डिफरेंट रिपब्लिक्स दैट फॉर्म्ड द सोवियत यूनियन टू मैनेज देयर ओन अफेयर इंक्लूडिंग देयर कल्चर एंड अफेयर। अब जो कम्युनिस्ट पार्टी से मना कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया, इनकार कर दिया पहचानने से, लोगों की जो इच्छाएं थी, डिमांड्स थी 15 रिपब्लिक्स की जिससे ये बना हुआ था, ठीक है, उनके कल्चर के रिगार्डिंग, इनको पहचानने से मना कर दिया। हालांकि ऑन पेपर रशिया वॉज द ओनली वन ऑफ द 15 रिपब्लिक्स, सिर्फ रशिया इन 15 रिपब्लिक्स गणराज्यों में से एक था, दैट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूटेड द USSR। इन रियलिटी रशिया डोमिनेटेड एवरीथिंग। एक्चुअली रशिया का सबसे ज़्यादा डोमिनेंस था इन 15 रिपब्लिक्स के अंदर, एंड द पीपल फ्रॉम अदर रेजिन्स फेल्ट नेगलेक्टेड एंड ऑफन सुप्रेस्ड। और जो बाकी गणराज्यों के लोग थे, मेंबर्स थे, वो अपने आप को क्या मानते थे, मतलब नेगलेक्टेड मानते थे, कि उनको अवॉइड किया जा रहा है और उनको दबाया जा रहा है, उनका एक्सप्लोइट किया जा रहा है। इन द आर्म्स रेस, हथियारों की होड़ में, द सोवियत यूनियन मैनेज टू मैच द US फ्रॉम टाइम टू टाइम। हथियारों की होड़ में USSR ने बार बार टक्कर दी अमेरिका को, बट एट द ग्रेट कॉस्ट, लेकिन काफ़ी उन्हें नुकसान उठाना पड़ा, काफ़ी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। द सोवियत यूनियन लैग्ड बिहाइंड, सोवियत यूनियन पीछे रह गया द वेस्ट इन टेक्नोलॉजी के मामले में, तकनीकी मामले में उनसे काफ़ी पीछे रह गया था वो पश्चिम देशों से, इंफ्रास्ट्रक्चर्स के मामले में, ट्रांसपोर्ट पावर के मामले में, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एंड इन फुलफिलिंग द पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल एस्पिरेशन ऑफ सिटीजन। यहाँ तक कि अपने पब्लिक, उनके नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाया था। सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान इन 1979, और बाद में सोवियत जो USSR ने अटैक किया था अफगानिस्तान के ऊपर, तो 10 ईयर्स तक ये वो चलता रहा था, 1979 to 1989। इसने क्या कर दिया, वीकेंड द सिस्टम, इसने पूरे सिस्टम को वीक कर दिया इवन फर्दर। दाओ हालांकि वेजेस कंटिन्यू टू ग्रो, मेहनत डे काम चल रहा था उसके अंदर, USSR के प्रोडक्टिविटी भी कंटिन्यू थी, एंड टेक्नोलॉजी फेल कंसिडरेबली बिहाइंड दैट, लेकिन तकनीकी रूप से काफ़ी पिछड़ गए थे वो ऑफ द वेस्ट पश्चिम से, एंड दिस लेड टू द शॉर्टेज इन ऑल कंज्यूमर गुड्स। यहाँ तक कि जो रिक्वायरमेंट, जो रिक्वायर्ड चीज़ें थी उसकी वो शॉर्टेज हो गई थी, एंड फूड इंपोर्ट्स, खाना भी बाहर से मंगवाना, जो फूड इंपोर्ट सिस्टम था वो भी बढ़ गया था एवरी ईयर, हर साल उन्हें अनाज बाहर से मंगवाना पड़ता था। द सोवियत इकोनॉमी वॉज फेल्टरिंग
इन द लेट 1970 के बाद तो बिल्कुल ये स्टेगनेट हो गई, लड़खड़ा गई थी। सो डियर स्टूडेंट, टुडे वी हैव डिस्कस थ्री डिफरेंट टॉपिक। फर्स्ट वन वॉज व्हाट डू मीन बाई USSR, सेकेंड वन वॉज फीचर ऑफ USSR, एंड थर्ड डिसएडवेंटेज मीन्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ USSR। सो आई रिक्वेस्ट यू लिसन इट ट्वाइस एंड थ्राइस टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। सो टिल देन थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।